बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और आज का ये टॉपिक बाकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन आपके एमपी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गया या व्यापम जो भी एग्जाम करवाता है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इतना महत्वपूर्ण है कि इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं एक ना एक किसी ना किसी परीक्षा में। ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश के बारे में अगर कुछ सामान्य जानकारी बता दूं, वैसे तो मध्य प्रदेश को हम लोग बहुत विस्तार से कवर कर चुके हैं एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी दे देता हूं। आप लोग मैप्स में जाएंगे तो ये हमारा प्यारा एशिया, हमारी प्यारी पृथ्वी में हमारा प्यारा एशिया भी है, और फिर हमारा प्यारा भारत, तो आप देखेंगे ये है आपका मध्य प्रदेश, बीचों बीच में मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी की बात करें तो भोपाल देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ अगर हम लोग सीटों की बात कर लेते हैं, विधानसभा सीटें 231 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, और लोकसभा सीटें यहाँ 29 हैं, और जो हाईकोर्ट है इसका मुख्यालय आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, और खंडपीठ की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर है। ठीक है, याद रखिए। यहाँ भाषा की बात करें तो राजभाषा हिंदी, सिंधी, बुंदेली भी बोली जाती है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 308,252 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि कहने का मतलब है कि 308,252 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की अगर बात करें हम लोग तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है आपकी 7,26,26,809। तो इन सब के बारे में याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। नीचे आपका महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, यहाँ छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछ लिया है। ठीक है, और हम लोग यहाँ और अच्छे से आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप्स, जिसमें सभी आपके जो भी जिले हैं उन्हें भी दिखाया गया है। ठीक है, देखिए बीचों बीच में इसकी भोपाल राजधानी हो गई। ठीक है, और यहाँ राजस्थान लग रहा है, गुजरात लग रहा है, ऊपर उत्तर प्रदेश, और यहाँ छत्तीसगढ़, और नीचे महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ को याद रखिए, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बेलून सफारी शुरू करने का निर्णय भी लिया है। यह देश के किसी भी बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शुरू की जाने वाली देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी है। देखिए इस तरह से आप बैठ भी सकते हैं इसमें। ठीक है, कभी जाइए तो घूम के आइए, देख के आइए क्या है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विंध्य पर्वत पर स्थित भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार मैप्स में फिर चलते हैं, देखिए कहाँ है उमरिया, यह उमरिया। ठीक है, यहीं शहडोल देखने को मिलेगा आपको, डिंडोरी देखने को मिलेगा, यहीं जबलपुर कटनी, यहीं आपको उमरिया। और यहां अगर हम बात करें तो यहां देखने को मिलेगा आपको, देखिए ये है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में। ठीक है, याद रखिए बांधवगढ़ को वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 1968 में। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और वैसे आप लोग जानते हैं कि टाइगर प्रदेश भी कहते हैं आपके मध्य प्रदेश को, नदियों का मायका कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि बाघों की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है पूरे देश में। ठीक है, याद रहे कि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। 2019 की बाघ जनगणना हुई थी जो, इसमें आपने देखा होगा कि 526 बाघ सबसे अधिक दर्ज किए गए थे कहाँ, मध्य प्रदेश में। इस राष्ट्रीय उद्यान के महत्व और संभाव्यता को देखते हुए 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के अंतर्गत लाया गया था इसे। तो याद रखिए 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था गया था, और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की कि आखिर ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, तो बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, और ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बन चुका है। तो याद रखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में एक तरह से संरक्षण, उन्हें बाघों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है, यानी कि उन्हें बचाना है। इसके तहत अब तक 50 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। इसका गठन वर्ष 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। ठीक है, अगर बात करें हॉट एयर बैलून के बारे में, आखिर ये क्या होता है? तो हॉट एयर बैलून गर्म हवा की मदद से उड़ने वाला एक गुब्बारा होता है। चूंकि गर्म हवा तुलनात्मक रूप से ठंड हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर उठती है और अपने साथ सामान या फिर आदमी को भी ऊपर ले जाती है। कई जगह आप जाते होंगे, इस तरह की सुविधा भी आपको देखने को मिलती होगी, कई बार कई लोग घूमे हुए होंगे आप लोगों में से। ठीक है, एक गर्म हवा का गुब्बारा किसी कपड़े या ऐसे पदार्थ से बना है, एक गैस बैग होता है जिसका निचला हिस्सा खुला होता है। इसके निचले हिस्से में ही एक गेंडोला टोकरी लगी होती है जिसमें यात्री बैठ सकते हैं, और गेंडोला टोकरी के ऊपर एक अंगीठी जैसी युक्ति लगी होती है जो गुब्बारे में ही हवा को गर्म करती है और गुब्बारा ऊपर उड़ता चला जाता है। आप लोगों ने इस तरह की गुब्बारे भी तो देखे होंगे, आप लोग देखते हैं कि एक मोमबत्ती टाइप का होता है, उसमें आग लगाते हैं और वो ऊपर उड़ना शुरू करता है। तो एक तरह से उसी तरह का ये सिस्टम है। ठीक है, तो इन सब के बारे में याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और टीयर बिलून के बारे में भी आपका हो सकता है लिखित परीक्षा में, एमपीपीएससी में क्वेश्चंस बन सकता है। और जो आपका बांधवगढ़, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में भी आप लोग सभी पॉइंटों को याद रखिए। मध्य प्रदेश के बारे में तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि आप जानते हैं एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपका एमपी स्पेशल कवर हो गया तो क्लियर समझिए आप लोगों का। ठीक है,